हाय फ्रेंड्स, यूपी बजट का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट से पॉइंट्स है, जो डाटाबेस था, बजट का आकार था, कितना परसेंट इंक्रीमेंट था, है ना, उन सब चीजों पे बात किए थे। अभी जो सेकंड पार्ट है वो कहीं ना कहीं है कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, G20 समिट उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित किया थी, आयोजित की जा रही है यूपी में G20 की समिट, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि जैसे चार ऑप्शन है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, तो इसमें कहां पे समिट आयोजित की जा रही G20 की। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, आगरा में, वाराणसी में, काशी विश्वनाथ की नगरी एंड ग्रेटर नोएडा, है ना। तो ये चारों के चारों जगह आयोजित की जा रही G20 की समिट। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा कि लखनऊ या आगरा की जगह कोई और सिटी दे देगा आपको, कि इसकी जगह मान लीजिए लिख दिया प्रयागराज, कि कहां आयोजित नहीं की जा रही है, है ना, तो प्रयागराज कर देगा, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हो रही है, ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी देवीपाटन, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन फोर मुरादाबाद। ये सब यूपी बजट के अंदर के पॉइंट है, नए चार नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, इसमें भी क्या करेगा कि कोई एक क्वेश्चन चेंज कर देगा, कुशीनगर की जगह लिख दिया वाराणसी, और क्वेश्चन रहेगा कि इसमें से निम्न में से कहां ऐसी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो रही है, तो आपका वाराणसी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब, छह इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब क्या होते हैं कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ वो एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पे सिर्फ इंडस्ट्रीज होती है, रेसिडेंस के लिए नहीं होता, वहां पे सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो वहां पे लगाई जाती है, जैसे कानपुर एक है। तो छह नए मैन्युफैक्चरिंग हब ओपन हो रहे हैं, छह नए, चार कहां हो रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, दो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबा की बात करें तो ये 341 किलोमीटर लॉन्ग है, और अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये 246 किलोमीटर लॉन्ग है, है ना। तो दो चार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। टू द पॉइंट एकदम याद करते चलना है, साइंस सिटी एंड नक्षत्रशाला, आगरा में भी खुल रही है साइंस सिटी और नक्षत्रशाला, और वाराणसी में भी खुल रही है साइंस सिटी एंड नक्षत्रशाला। तो साइंस सिटी कहां खुल रही है, आगरा और वाराणसी में, नक्षत्रशाला कहां खुल रहा है, आगरा और वाराणसी में। ये सब यूपी बजट के पॉइंट है, है ना, जो कि बहुत ही रैंकिंग में कौशल विकास निधि, कौशल विकास निधि में यूपी जो है फर्स्ट रैंकिंग पे है। इसको बहुत ही ज्यादा याद करने की इंपॉर्टेंट थिंग है, यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार क्षेत्र में सुगमता, व्यापार क्षेत्र में सुगमता में इंडिया जो यूपी की रैंक थी इसके पहले थी 14 रैंक थी, 14th रैंक थी, 12 नंबर इंक्रीज करके सेकंड नंबर पे है ना, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब हुई है या नहीं हुई है, बट यूपी बजट में ये आंकड़ा था कि सेकंड नंबर पे आया है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 नंबर का इंक्रीज करके सेकंड नंबर पे आया है। तीन महिला पीसीएस बटालियन, यूपी एक ऐसा राज्य बना जहां पहली बार तीन महिला पीसीएस बटालियन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीन महिला पीसीएस बटालियन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। सात महानगर जहां पे कमिश्नर प्रणाली आई है, कमिश्नर प्रणाली एक सिस्टम होता है जो जैसे लखनऊ में लॉन्च हुआ है, तो सात ऐसे महानगर है यूपी के अंदर, सात ऐसे महानगर है जहां पे कहीं ना कहीं कमिश्नर प्रणाली आई है। दूध उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है, गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे, अगर गन्ना उपजेगा तो चीनी ऑटोमेटिक उपजेगी, गन्ने से ही चीनी बनती है तो चीनी पे पहले नंबर पे आ जाएगा। एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये भी बेसिकली किससे बनता है, जो गन्ने का आप जानते हैं खुइया जिसे बोलते हैं, गन्ने के बाद जो छिलका बच जाता है उसी से एथेनॉल बनाया जाता है। तो ये भी क्या है, अगर गन्ने, गन्ना पहले नंबर पे है तो चीनी में पहले नंबर पे होगा, चीनी में पहले नंबर तो एथेनॉल पहले नंबर, और यूपी की पॉपुलेशन आप जानते हैं सबसे ज्यादा है, इसलिए वैक्सीनेशन में भी सबसे पहले नंबर पे है ना। दूध उत्पादन में मथुरा, आगरा ये सब ले लेते हैं यूपी जो ईस्ट का रीजन है या वेस्ट का। गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर, चीनी के उत्पादन में पहले नंबर, एथेनॉल के उत्पादन में पहले नंबर, वैक्सीन के उत्पादन में पहले नंबर, कौशल विकास निधि में पहले नंबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड नंबर, तीन महिला पीसीएस बटालियन, सात महानगर में कमिश्नर प्रणाली। इसके साथ टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जा रही है लखनऊ में, है ना, लखनऊ में टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इसको बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पर्यटन के मामले में बहुत ही ज्यादा उत्तर प्रदेश टॉप मोस्ट रहा है, आगरा है,
है ना। यूपी में बहुत ऐसी जगह है जहां पे आप घूमने जा सकते हैं, बहुत ही बड़ा वंडर, जिसपे सबसे ज्यादा आगरा है, मथुरा है ना, आपका लखनऊ है। तो टूरिस्ट बोर्ड की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है, ये बन रही है यमुना, ये बनवाई जा रही है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी द्वारा, है ना, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी या यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा 100 एकड़ की जमीन में यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के द्वारा ये कहीं ना कहीं बनवाई जा रही है। ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। कायाकल्प का मतलब है इनका टारगेट है कि 2030 तक 35 करोड़ पेड़ लगा देने, है ना, 2030 तक 35 करोड़ पेड़ लगा देने और वनावरण 15% लेके जाना है। अभी नहीं है ये, 2030 तक का टारगेट है कि अगले 7 सालों में हमें 35 करोड़ पेड़ लगाने हैं और वनावरण 35% लाना है। जबकि आइडियली होता कितना है, आइडियली आपका होता है 33%, है ना, आइडियली आपका होता है जो वो 33% होता है। ठीक है, अगर आप हाईएस्ट रैंकिंग की बात करेंगे तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो पेड़ है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा पेड़ है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में है। अगर आप परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मिजोरम में है, है ना, परसेंटेज वाइज सबसे मिजोरम में है। अगर आप नीचे की बात करते हैं, सबसे लोएस्ट की बात करते हैं, तो सबसे कम है एरिया वाइज भी परसेंटेज वाइज भी, सबसे कम जो है वो हरियाणा में है, है ना, सबसे कम जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में है, सबसे लोएस्ट परसेंटेज। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट की बात करेंगे, परसेंटेज वृद्धि की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है ना, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। तो बहुत सिंपल सा जो टॉपिक आपको याद करना है, तो 3-4 चीज याद करना है। पहला आपको याद करना है कि G20 समिट उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित की जा रही है, तो लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा में, इन 4 जगह में, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है, मिर्जापुर, देवीपाटन, कुशीनगर, मुरादाबाद। ठीक है, पूर्व कितने 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, 4 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, साइंस सिटी और नक्षत्रशाला आगरा में और वाराणसी में बनाई जा रही है। इसका कौशल विकास निधि में 1st रैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक, 3 महिला पीसीएस बटालियन की स्थापना, 7 महानगर में कमिश्नर प्रणाली और दूध, गन्ना, चीनी, एथेनॉल और वैक्सीन में 1st नंबर पे। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प, टूरिज्म बोर्ड की स्थापना लखनऊ द्वारा, इंटरनेशनल फिल्म सिटी 100 एकड़ में, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे विकास औद्योगिकरण के द्वारा बनवाया जा रहा है। इसके बाद टूरिज्म ऑपरेशन कायाकल्प 2030 तक 35 करोड़, वनावरण 15%, आइडियली 33.33% या 33% होना चाहिए। एरिया वाइज सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज मिजोरम, हरियाणा सबसे लोएस्ट है परसेंटेज वाइज भी, एरिया वाइज भी, और इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश ने किया है। इसके साथ पिछले टॉपिक पे आपको एक चीज मैंने बताया था कि बेरोजगारी दर, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपी की बेरोजगारी दर मैंने बताया था कि कम होगी, कितनी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 14.4% से घट के 4.2% पे गई है। आपको ये बताना है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इंडिया का करंट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है।